हेलो गाइस, एमएस वर्ड की कुछ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं हम। तो चलिए स्क्रीन पर, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है, आप उस वर्ड पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ F3 एक बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो वर्ड पे हमने क्लिक किया था उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ जाएगा। वहीं शिफ्ट के साथ फिर से F3 हम यूज करेंगे तो पूरा वर्ड ही कैपिटल में आ जाएगा। और यदि फिर से हम शिफ्ट के साथ F3 का यूज करते हैं तो जो वर्ड पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। वहीं अगर किसी वर्ड का मान लीजिए यहाँ पर दैट यूज हो रहा है, दैट की जगह पर हम इसका सिनोमियन कुछ और क्या रख सकते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ F7 यूज करेंगे तो उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड है वो सारे आ जाएंगे। मान लीजिए दैट वहाँ मैच नहीं कर रहा तो क्रिएट की जगह पर क्रिएट, यानी क्रिएट करना किसी चीज को बनाना, तो किसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं हम, तो यहाँ शिफ्ट के साथ F7 यूज करेंगे तो क्रिएट लगा सकते हैं, मेक लगा सकते हैं, जनरेट लगा सकते हैं, यानी उसके काफी सारे सिनोमियन हमारे सामने ओपन हो गए हैं। वहीं अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग यदि हम गलत कर देते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग से हमने ओ निकाल करके आई लगा दिया है, अब इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी तो यहाँ रेड, जैसे हमने गलत कर दी स्पेलिंग तो यहाँ पर रेड लाइन शो कर दिया है, सही स्पेलिंग क्या होगी उस पर क्लिक करके डायरेक्ट F7 यूज करेंगे तो उसकी सही स्पेलिंग हमारे सामने रखेगा, हम उसे चेंज करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और रेड लाइन यहाँ से हट जाएगी। गाइस वीडियो को सेव कर लेना और शेयर कर देना।